वेलकम टू लखपत। फिलहाल आ गए लखपत और ये गुरुद्वारा साहिब है सामने। अभी बारिश तो बहुत चालू है तो यहाँ पे इन्होंने रूम दे दिया है। ये रूम है, यहाँ पे जितने दिन चाहो रह सकते हो ऐसा मुझे बोला। अच्छा ही है, सारी बाथरूम सब क्लीन है, लाइट है, पानी है। तो पहले तो हम जाएंगे गुरुद्वारों में, वहाँ पे कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम है तो पहले वो कर लेंगे, उसके बाद में आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखते बारिश में कितना काम होता है कितना नहीं होता। और मेरे पीछे ये है लखपत गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार। इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री है। अंदर चलते हैं फिर अंदर बात करते हैं किसी से क्या है क्या नहीं है। इसका गेट है, कुछ लिखा भी है गेट के सामने गाड़ी पर। ओके, ये सब नया कंस्ट्रक्शन, वहां पे वो पुराना वाला कंस्ट्रक्शन है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे रूम्स वगैरह, क्योंकि ये एकदम रिमोट एरिया है एंड पॉइंट कच्छ का। यहाँ पे जूते उतार के अंदर जाते हैं। बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे सब। पैर धो लेते हैं, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार लखपत साहिब कच्छ गुजरात। यहाँ पे पीछे ले ले रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। पाजी ये प्लेट ले लूँ क्या? हाँ खाना तो लेट खाएंगे। हाँ
अच्छा ले ले लो। चलिए पाजी हमारे साथ है और वो आए गांधीधाम से। सत श्री अकाल पाजी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। रंजीत सिंह गांधीधाम से। तो लंगर में हमको अभी लंगर में टोस्ट है, लस्सी है, छोटी नमकीन में। चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं। और टोस्ट अब फिलहाल हम है यहाँ पे लखपत में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार और मेरे साथ है पाजी। क्या नाम सर आपका? फतेह सिंह। फतेह सिंह और आप यहीं पे रहते हैं जी? कितने साल से? बेसिक हम लोकल ही हैं पर गुरुद्वारे में तकरीबन 8 साल जैसे हो चुके हैं। अच्छा, आप लोकल ही है यहाँ? जी सर। सही है। तो क्या है गुरुद्वारा की हिस्ट्री क्या है? ये गुरु नानक देव जी की चौथी उदासी मानी जाती है, धर्म प्रचार यात्रा भी बोल सकते हैं, जो 1519 और 21 के बीच जब सऊदी अरब को जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था, रुके थे। ये तकरीबन पोर्ट हुआ करता था 1819 से पहले। हाँ। जो भी भारत या अरब का लेन देन होता था तो इस पोर्ट से इन अप होते थे। अच्छा। तो गुरु नानक देव जी भी यहाँ के ठहरे थे। अच्छा, सिंधु नदी यहाँ से बहती थी ना, ऐसा था जी? वो भूकंप आया उससे पहले। हाँ जी, 1819 में अर्थक्वेक आया, जो सिंधु नदी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो ये पोर्ट भी तकरीबन 1819 में बंद हो गया था। अच्छा, तो मैंने पढ़ा था उस टाइम भी यहाँ का वो लेन देन है वो बहुत, उस टाइम कुछ कच्ची कोरी चल रही थी। हाँ जी। हाँ, तो 1 लाख प्रतिदिन का उसका वो था ट्रांजेक्शन। तभी तो इसका नाम भी चेंज हुआ समय समय मुताबिक। इसका तकरीबन तीसरा नाम है। अच्छा, पहले वुड सिटी करके माना जाता था। हाँ, और कुछ बाद में, कुछ समय बाद इसका नाम पड़ा बस्ता बंदर, कुछ समय के लिए बनाया गया। और तकरीबन 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक इसका लखपत नाम पड़ा है। लखपत नाम पड़ने की वजह ये थी कि लाखों की आमदनी थी, तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ा लखपत। क्या बात है, सही है। और गुरु नानक साहब यहाँ पे रुके थे, वो कितना कितना 500 साल हो गए उसको? हाँ, तकरीबन 1506-13 में भी आते हैं, जो उनकी दूसरी उदासी थी। और जो मेन है तकरीबन 1519 और 21 के बीच, तब तो तकरीबन इस घर के अंदर 21 दिन ठहरते हैं। अच्छा, तो जब यहाँ पे ठहरते हैं तो काफी लोग एकत्र होते हैं उनके दर्शन के लिए, सत्संगत करने के लिए, विचार चर्चा सुनने के लिए। तो जब 21 दिन के बाद गुरु नानक देव जी आगे जाने लगते हैं सऊदी अरब को, तो जो लोग एकत्र होते हैं तो उन्होंने कहा महाराज हमें कोई निशानी देकर जाइए जिसके द्वारा हम आपको याद करें। तो उस वक्त के जो गुरु नानक देव जी की चरण पादुका है, जिसको गुजराती में चाकरी भी बोला जाता है और पंजाबी में खड़ाऊं बोला जाता है, तो आज भी इस गुरुद्वारे के अंदर वो तकरीबन 500 साल पुरानी जो चरण पादुका आज भी सुशोभित है गुरुद्वारा के अंदर। सही है। तो भैया कभी भी आप आए कच्छ में विजिट करें तो लखपत जरूर आइएगा। ये पश्चिमी दिशा में एंड जो बोलते हैं लास्ट, तो वो है यहाँ से आगे पाकिस्तान बॉर्डर। जी, ये इंडिया का लास्ट गांव है। अच्छा, और तकरीबन जो भी ट्रेन से आ रहा है तो 130 किलोमीटर पीछे ट्रेन रुक जाएगी। और भुज में, भुज में, भुज से आके कोई ट्रेन नहीं है। फिर वहाँ से बस वगैरह, या अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे तो इजी रहेगा, वरना सरकारी ट्रांसपोर्ट की वजह से आओगे तो तकरीबन 18 किलोमीटर तक तो आपको बढ़िया रहेगा। जो लखपत से 18 किलोमीटर पीछे एक छोटा सा गांव घड़ूली करके आता है, तो वहां से आपको यहां आने के लिए पर्सनल कोई व्हीकल करके आना पड़ेगा, या सिर्फ दो सरकारी बसें आती हैं, एक तकरीबन 9 बजे और एक शाम को 3:30 बजे। उसके बाद कोई लखपत आने के लिए साधन नहीं है। एक अराइवल और एक यहाँ से डिपार्चर, बस जी, दो ही। जी जी जी, सही है। और यहाँ पे सुविधाएं सब मौजूद है यहाँ पे। हाँ। रहने के लिए मुझे कमरा भी दे दिया। हाँ, है कोई भी कभी भी कहाँ से भी आए, खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री होगा, किसी का कोई चार्ज नहीं है।
पर जो गुरुद्वारे की परंपरा है, बीड़ी तम्बाकू शराब वगैरह वो आप सेवन नहीं कर सकते। अंदर खाना पीना रहना आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। जितनी दूर से आएगा उतनी ज़्यादा नाइट रहेगी, पास से आएगा तो एक नाइट, थोड़ी दूर से आ रहा तो दो नाइट, ज़्यादा दूर से आ रहा तो तीन नाइट तक बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप कभी भी आए, कच्छ आए तो लखपत की मुलाकात ज़रूर लीजिएगा। और देखते हैं, अभी अंदर मैं आपको अंदर भी दर्शन कराता हूँ थोड़ी देर में। ये बिल्डिंग भी तकरीबन यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। अच्छा। 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड अवार्ड मिला हुआ है इसको। अच्छा, तकरीबन 500 साल पुरानी इमारत है ये। सही हो, इसमें वो लग रहा है उसका काम देख के इमारत का। बाकी समय समय मुताबिक इसका रंग रोगन प्लस्तर वगैरह हुआ है। बाकी जैसे दीवारें या छतें वो उसी समय की पुरानी है। मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ है। और आसपास में नया भी ये सब बन रहा है ना? जी, ये गुजरात सरकार ने 2017 में 350 साल प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया था, तो उसमें गुरुद्वारे को बढ़ाने के लिए तकरीबन 5 करोड़ मेंशन किए थे, तो उसका ये काम चल रहा है। क्या बात है, सही है। इसमें बड़ा दरबार हॉल है और 10 रूम हैं वो और बन रहे हैं, इसमें रहने के लिए जो भी दर्शनार्थी आए या रुक सकें। और पीछे जो बन रहा है वो क्या? दरबार हॉल। दरबार हॉल, अच्छा। ये गुरु नानक देव जी की जो अंग शोभित वस्तु, जैसे उनकी चौथी धर्म प्रचार यात्रा थी, तो यहाँ भी आके ठहरते हैं जी। जिसमें ये फोटो पड़ी है, ये झूला है, इसको पंगूड़ा भी बोला जाता है पंजाबी में। अच्छा। और गुजराती में इसको पालना बोलते हैं। ये पूरी पालकी, पालकी और झूला तकरीबन 550 साल पुराना है। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था ननकाना से पाकिस्तान में, तो वहाँ के जो राजा राय बुलार थे, तो उन्होंने ये भेंट अर्पण की थी। और यहाँ पे इसका आने का कारण, जब मकसद ये कि समय की बंदरगाह थी और काफ़ी लोग यहाँ से आते जाते थे, तो जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, तो वहाँ से ला करके उन्होंने बेटे बाबा श्री चंद जी ने यहाँ पर स्थापित किए। तो उन्होंने भी चरण पादुका जो सामने लेफ्ट में पड़ी हैं, वो उनके बेटे बाबा श्री चंद जी की। वो तकरीबन 16वीं सदी में यहाँ आते और इसको गुरुद्वारे के तौर पर चालू करते हैं। और ये 2004 में इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड दिया गया। ये मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ, रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा। हाँ, और ये चरण पादुका आपने बोला ना, ये उनके बेटे बाबा श्री चंद जी की हैं। अच्छा, ये करीबन कितने टाइम पहले थी? ये 16वीं सदी की है। अच्छा, 16वीं सदी। हाँ, और जो परली साइड में गुरु नानक देव जी की है। अच्छा। वो 1500 जब 19 में आते यहाँ पे, तो उस समय की है। 1500 15th century। ये काफ़ी इमारत पुराने की जो है, तो पेंटिंग वगैरह भी दी हुई है और अलग अलग भाषाओं में इस दीवार के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये पहले किसी का घर हुआ करता होगा? किसी का घर हुआ करता था, तो वो भी गुरु नानक देव जी के प्रेमी थे। अच्छा। तो जब इस एरिया के अंदर आते हैं, तो ये परिवार कुछ और लोग गुरु नानक देव जी के पास जाके बोलते भी, हमारे गाँव या हमारे घर में चल कर आप उपदेश दो। तो इस घर के अंदर ठहरते, तो फिर काफ़ी लोग एकत्र होते सत्संगत करने के लिए। और जब गुरु नानक देव जी यहाँ से चले जाते, तो उन्होंने मन भी ऐसी भावना बनी भी इतना समय यहाँ पे धर्म प्रचार हुआ, सत्संगत हुई है, क्यों ना इसको एक धर्मशाल बना दी जाए। तो 15वीं सदी में वैसे प्रचलित धर्मशालाएँ थी, होती थी, तो वो छोड़ के चले जाते। फिर गुरु नानक देव जी के बेटे बाबा श्री चंद जी आते, तो काफ़ी समय यहाँ ठहरते,
उन्होंने फिर इसको गुरुद्वारे के तौर पे चालू किया। कोई भी बाहर से आए वो एक ठिकाना बनाया भी रुक सके, खाना पीना रहना, जो गुरुद्वारे की परंपरा उसके मुताबिक। ये नीचे काफ़ी डैमेज है तो ये पर्दा लगाया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन है तो अपने कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उस टाइम की पेंटिंग से अलग अलग स्थान में और अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, इस साइड में ये अलग भाषाएं, इधर पंजाबी भी आ जाती है। अच्छा, ये कोई अलग लैंग्वेज है। अलग अच्छा, क्या लिखा है पंजाबी में? पंजाबी में तो एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अच्छा। और कुछ नाम लिखे हुए हैं जो दर्शनार्थी यहाँ आते थे, मतलब उस समय की ये विजिटर बुक जैसे आज हम रजिस्टर वगैरह लगा देते हैं। अच्छा। उस समय दीवारों के ऊपर शायद लिख देते होंगे, तो अलग अलग स्थान में अलग अलग भाषाओं में, और कुछ नाम भी कुछ अलग ही हैं नए से, ऐसे समझ सकते हैं, हो सकता है ये विजिटर बुक होगी उस समय की। ये भी कुछ लिखा है ऊपर हिंदी, ऊपर हिंदी और आधे के नीचे फिर गुजराती भी है इस समय। सेवंथ ओपन पाजी ने हमको पूरा डिटेल में बताया इस गुरुद्वारे के बारे में। बहुत वेल मेंटेन है बिल्डिंग पूरा, ये ऊपर की छत भी। बहुत अच्छी तरह से काम किया गया है लकड़ियों पे, दिखाता हूँ मैं आपको। पूरी साइट ही आती है हेरिटेज में, आर्कियोलॉजी के अंडर। उसका पुराना एंट्री गेट है, पहले यहाँ से एंट्री थी इसकी, जब भी ये घर रहा होगा गुरुद्वारे से पहले। इस तरफ मेन रोड, मेन रास्ता होगा, यहाँ पे उसका दरवाज़ा है, और इस तरफ ये घर जो कि अभी गुरुद्वारा है। तो 500 साल पहले इधर आए होंगे नानक साहब, तो ये घर तो उससे भी पुराना है।